पुलिस से न्याय और सुरक्षा की गुहार लगाए। विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था, जिसके बाद पति ने केस वापस करने की धमकी दी। उसने केस वापस नहीं करने पर विवाहिता को तेजाब फेंक कर जान से मारने और पूरे परिवार को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी थी। नगर कोतवाली के बुलाकीपुरा मोहल्ला निवासी सबा बानो ने दक्षिण टोला थाने के डोमनपुरा मोहल्ला निवासी अपने पति नौशाद अहमद और ससुराली जनों पर 24 सितंबर को दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उनके पति और ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग किया गई है। हमारे मायके पक्ष द्वारा दहेज की मांग नहीं पूरी किए जाने पर हमें मारा पीटा गया। साथ ही हमारे पति नौशाद अहमद ने दुपट्टे से गला कसकर जान लेने की कोशिश की। केस दर्ज होने के बाद उसके पति ने केस वापस लेने की धमकी दी। केस वापस नहीं करने पर चेहरे पर तेजाब फेंक कर जान से मारने और पूरे परिवार को घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता की गुहार पर सीओ सिटी राजकुमार ने कहा कि विवाहिता की शिकायत दर्ज कर ली गई है, उसके पक्ष में न्याय संगत कार्रवाई जांच करके की जाएगी। मैं थाना दक्षिण टोला पे इंस्पेक्टर दक्षिण टोला साहब ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, उसकी विवेचना चल रही है और जो दोषी होंगे विवेचना के आधार पर साक्ष्य।